उत्तर दिनाजपुर की पीड़ित महिला लगातार गायब है। जी न्यूज की मुहिम के बाद से महिला को कहीं छिपा दिया गया। जी न्यूज की टीम चोपड़ा पहुंचने के बाद से उसे लगातार तलाश रही है, लेकिन वो अपने घर पर भी नहीं है, ना ही अपने गांव में है। इसी बीच महिला का एक संदेहास्पद वीडियो वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में महिला कह रही है कि पिटाई का वीडियो वायरल करने वाले पर वो कार्रवाई करेंगी, लेकिन महिला के इस नए वीडियो को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये वीडियो किसने बनाया, महिला खुद सामने क्यों नहीं आ रही है, क्या महिला को कहीं छिपा दिया गया है, और अगर ऐसा है तो उसे किसने छिपाया है, वो कौन है जो महिला को सामने नहीं आने देना चाहता। ये जी न्यूज के सवाल हैं, क्योंकि महिला मिल नहीं रही है, महिला गायब है। अब कहां गायब है ये समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस भी तलाश रही है, जी न्यूज की टीम भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। एक वीडियो सामने आया है, अब इस वीडियो पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस वीडियो को किसने जारी किया, किसने बनाया, महिला खुद सामने क्यों नहीं आ रही है, वीडियो कौन बना रहा है, कौन उसे सर्कुलेट कर रहा है, कौन शेयर कर रहा है, क्या महिला को कहीं छिपा दिया गया जानबूझ करके, और अगर ऐसा है तो उसे किसने छिपाया है, और वो कौन है जो नहीं चाहता कि महिला सामने आए, वो कौन है जो सच्चाई को छिपाना चाहता है या वो नहीं चाहता कि महिला आकर के सारे घटना पर अपनी बात खुलकर मीडिया के सामने रखे। तो आखिर सवाल है कि आखिर वो महिला गई कहां। तो आपको एक बार फिर से सवाल आपको दोहरा देते हैं, ये जी न्यूज के सवाल है। महिला लगातार गायब है, पुलिस का दावा है कि महिला उसके प्रोटेक्शन में सुरक्षित है, महिला पुलिस प्रोटेक्शन में है तो फिर वीडियो किसने बनाया। सवाल तो ये भी है, क्या बंगाल पुलिस ने पीड़ित महिला का वीडियो बनाया है और वो सामने नहीं आना चाह रही है। अगर महिला पुलिस प्रोटेक्शन में नहीं है तो फिर कहां है, सवाल तो ये भी है। तो ये जी न्यूज कुछ अहम सवाल यहां पर उठा रहा है। पीड़ित महिला बीते 48 घंटों से आखिर कहां गायब है, किसने इसे छिपा कर रखा, अगर पुलिस ले गई अपने साथ और पुलिस ने कहीं सुरक्षित रखा है तो पुलिस ये भी बता दे कि वो कहां पर है, और जो वीडियो सामने आ रहा है वो वीडियो कौन बना रहा है, अगर वो पुलिस ने उसे छिपा कर कहीं रखा है या सुरक्षित जगह पर ले गई है तो फिर क्या कहीं पुलिस ने तो वीडियो नहीं बनाया। आखिर महिला को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। उस घटना के बाद हालांकि जेसीबी की गिरफ्तारी हो गई, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके बाद से पीड़ित महिला का कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो है कहां। Zee News.